राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान शराबबंदी से नशा मुक्ति की ओर अभियान को जमीन पर उतारने के लिए बक्सर जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई नई रणनीति के तहत तो दो टीम का गठन किया गया है। ये टीम दलित और महादलित टोले में जाकर नुक्कड़ नाटक एवं जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को नशा से होने वाली नुकसान एवं शराब न पीने के प्रति जागरूक करेंगे। वहीं इस अभियान को लेकर बक्सर SDM के उपाध्याय ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विगत 1.5 साल से इस अभियान को बक्सर जिला में चलाया जा रहा है। इस अभियान में और तेजी आए इसको देखते हुए दो टीम का गठन किया गया है जो दलित महादलित टोलों में जाकर लोगों को नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। आपको बताते चलें कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी करने के बाद पूर्ण नशाबंदी अभियान चलाने के लिए प्रशासन से नसीहत दिए थे, जिसके तहत बक्सर जिला प्रशासन के द्वारा सबसे पहले दलित महादलित टोला में नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए दो टीम का गठन किया गया है। दोनों टीम के सदस्यों को हरी झंडी दिखाकर SDM के उपाध्याय ने रवाना किया। नशा मुक्ति अभियान तो पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा है, किंतु अभी जिला स्तर पर हम लोगों ने टीम गठित करके दो टीमें गठित हुई हैं जो अलग अलग महादलित टोलों में जाके उनके बीच में नशा मुक्ति के बिंदु पर इनको जागरूक करेंगे और ये बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं नशा के कारण होती हैं, कैसे लोगों का की आर्थिक उन्नति रुक जाती है, सामाजिक एक तरीके से दुष्कार मिलता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग करेंगे। और इसके अलावा जो लोग चोरी छुपे शराब पीने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भी लोगों से फीडबैक करेंगे।